नमस्कार, टीवी भारती समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। राजस्थान के धौलपुर में सैपो थाना क्षेत्र के पुरैनी का पुरा गांव में लगन टीके के दौरान डीजी पर हुई हर्ष फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी परमजीत पटेल के जरिए पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने से पहले ही शादी समारोह में मौजूद लोग भाग गए। पुलिस की मदद से अस्पताल लाए गए युवक को डॉक्टरों के जरिए मृत घोषित किए जाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया। घटना को लेकर थाना प्रभारी ने बताया है कि मृतक युवक अशोक पुत्र बनिया कुशवाहा नया गांव का रहने वाला था, जो अपने फूफा राजकुमार के लड़के के लगन टीके में शामिल होने के लिए आया हुआ था। इसी दौरान डीजे पर डांस करते वक्त किसी ने हर्ष फायरिंग कर दी, जिसमें गोली युवक के सीने में जा लगी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से ग्रामीण युवक को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने मौके का मुआयना किया, जहां पुलिस के पहुंचने से पहले ही सभी लोग फरार हो गए। थाना प्रभारी ने बताया है कि मौके पर मौजूद फोटोग्राफर से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, जिनके आधार पर आरोपी की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मृतक युवक के परिजनों को सूचना दे दी गई है, जिनके आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। रात को थाना इलाके में पुरैनी के पुरा में एक हर्ष फायरिंग के दौरान एक अशोक नाम के व्यक्ति की गोली लगी, जिसकी हॉस्पिटल ले जाते समय डेथ हो गई थी। पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है, तेरी प्राप्त होने पर जैसी कार्रवाई हुई। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।